सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर आप बनाए रखे हुए होंगे। तो साथियों, आप देख रहे हैं नेवरीशर और मैं विजेंद्र सिंह नेवरी, आपका होस्ट और दोस्त, आपका स्वागत करने के लिए तैयार हूं। साथियों, जैसा कि अपन ने पीछे की क्लास में बात की, जनगणना टॉपिक पढ़ा, उसके बाद में जिले हैं। कई दिनों से विद्यार्थियों की मांग थी कि गुरुजी आप जिले हैं, उनको कहानी विधि से याद करवाने के लिए कोई तरीका लेके आए। तो आज के वीडियो में अपन बात करेंगे खनिज संपदा। जो राजस्थान में जितने भी टॉपिक लगते हैं ज्योग्राफी में, उनमें सबसे ज्यादा भूत बच्चों के जिस टॉपिक का रहता है, अब वो टॉपिक खनिज ही है। लेकिन हमें इसके भूत को बिल्कुल निकाल देना। जैसे अपन ने जनगणना के आंकड़े हैं, डर था जब तक जनगणना नहीं पड़ी थी कि पता नहीं क्या है, कैसे याद होंगे, हो गए ना। बस यहां भी हमें वो ही काम करना है। साथियों, और करें, अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान में खनिज संपदा। और मित्रों, खनिज संपदा अपन पढ़े उससे पहले मैं एक छोटी सी बात करूंगा। हालांकि खनिजों में भी कई से सामान्य प्रश्न बनेंगे, संस्थागत वगैरह, वो अपन लास्ट में लेके चलेंगे ना। यहां अपन केवल और केवल खनिज संपदा की बात करेंगे, कौन कौन से खनिज है, कौन से उनके उत्पादक क्षेत्र आदि आदि हैं। मित्रों, और करना, अपन जब इंडिया में देखते हैं तो इंडिया में खनिजों का भंडार है वो ज्यादा झारखंड में, छोटा नागपुर के पठार में। और इसीलिए छोटा नागपुर के पठारी वाले क्षेत्र को कहा जाता है भारतीय खनिजों का समृद्ध घर। ठीक है, भारतीय खनिजों का भंडार घर, स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स कहा जाता है उसे। जबकि प्यारे मित्रों, अपने राजस्थान में खनिजों में एक विशेष बात याद रखनी है, वो क्या है कि राजस्थान में खनिजों की विविधता है। राजस्थान में क्या है, खनिजों की विविधता है, यानी बहुत प्रकार के खनिज अपने को यहां देखने को मिले। और अगर मैं बात करूं, पहले 79 टाइप के खनिज थे, वर्तमान में 81 प्रकार के खनिज राजस्थान में हैं। और इन 81 प्रकार के खनिजों में साथियों 57 प्रकार के खनिज हैं इनका तो खनन किया जाए, 57 प्रकार के खनिजों का खनन किया जाए, यानी इतनी मात्रा के अंदर खनिज है। यानी यहां आपको बहुत सारे खनिज मिल जाएंगे। यहां लोहा भी मिलेगा, तांबा, सीसा, जस्ता, वोलिस्टोनाइट, जिप्सम, जिप्सम है, जास्पर है, सीसा है, जस्ता है, अब्रक है, टंगस्टन है, रॉक फॉस्फेट है, बहुत प्रकार के खनिज यहां मिल जाएंगे। यानी मैं कहूं कि खनिजों का खनन है वो 57 का। और मित्रों, इसी खनिजों की विविधता के कारण अपने राजस्थान को कहा जाता है खनिजों का अजायब। सीधा सीधा प्रश्न बनेगा कि राजस्थान को क्या कहा जाता है। मित्रों, तो याद रखिएगा, राजस्थान को कहा जाता है खनिजों का अजायब। प्रश्न बन सकता है सीधा सा कि खनिजों का अजायब घर किसे कहा जाता है। एक मिनट, फोन को थोड़ा मैं फ्लाइट मोड में कर देता हूं, ये चालू ही रह गया। हाँ जी, अब ओके। नहीं, आधा घंटा आपको वो घूम घूम सुननी पड़ती है ना। हाँ, तो मैं बात कर रहा था राजस्थान को क्या कहा जाता है खनिजों का अजायब घर कहते हैं। अब भाई साहब कहते क्यों है खनिजों का अजायब घर, इसीलिए कहते हैं क्योंकि खनिजों की यहां पे विविधता है। अब मित्रों, गौर करें, अपने राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं, अच्छी बात। खनिजों के प्रकार की अगर अपन बात करेंगे, यानी मैं यहां लेके चलूं खनिजों के प्रकार, तो मित्रों गौर करना, खनिजों के प्रकार में एक तो आता है धात्विक खनिज, धात्विक खनिज। उसके बाद में एक आता है अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज के बाद में एक आता है ईंधन खनिज। और मित्रों, ईंधन खनिज के बाद में आते हैं आण्विक खनिज। धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, ईंधन खनिज, आण्विक खनिज। यहां याद रखना अपने को एक चीज, भाई धात्विक खनिज है इसका मतलब इनमें किसी न किसी रूप में धातु का अंश पाया जाता है। किसी भी रूप में धातु मिले वो धात्विक है। और ये डायरेक्ट है, वो काम में नहीं लिए जाते हैं। अमूमन इनकी जो प्राप्ति होती है वो किस रूप में होती है,
एस्क के रूप में ये प्राप्त किए जाते हैं, यानी ये सीधे काम में नहीं ली जाती। लोहा है, अब लोहा अपन स्टील देखते हैं वैसा थोड़ी है, लोहा एस्क के रूप में आता है। एस्क का मतलब खनिज का कच्चा रूप, यहां पर कहें धात्विक खनिज का कच्चा रूप क्या कहलाता है, एस्क कहलाता है। उसके बाद में फिर उसमें क्या किया जाता है, अशुद्धियां छाटी जाती हैं, उसका मतलब उसको गलाया जाता है प्रगलन भट्टियों में, फिर उससे अशुद्धियां निकाल के और सही रूप से धात्विक खनिज सामने आता है। अधात्विक में ऐसा नहीं है, आप चूना पत्थर निकालेंगे वैसा काम में ले सकते हैं, आप संगमरमर निकालेंगे वैसा काम में ले सकते हैं, आप अभ्रक निकालेंगे वो एक अलग चीज है, उसकी पैकेजिंग है, उसकी डिजाइन है, वो आप बना लेंगे, लेकिन अधात्विक खनिज का मतलब इसमें धातु नहीं है। ईंधन मतलब यहां ऊर्जा प्राप्त हुई, जैसे कि कोयला ईंधन खनिज है, जैसे कि पेट्रोलियम ईंधन खनिज है, और आणविक खनिज का मतलब जिसके विखंडन से ऊर्जा प्राप्त हुई, जैसे कि यूरेनियम है, जैसे कि थोरियम है, जैसे कि लिथियम है, ये कैसे खनिज है, आणविक खनिज है। अब मित्रों अपन धात्विक खनिजों के अंदर बात करेंगे और एक एक को लेकर के अपन आगे की ओर चले। साथियों गौर करना, धात्विक खनिजों में अपने राजस्थान में जैसे कि लोहा भी है, तांबा भी है, सीसा है, जस्ता है, टंगस्टन है, मैग्नीज, यही है। होने को तो धात्विक खनिजों के अंदर और भी बहुत सारे खनिज होते हैं, जैसे कि बॉक्साइट भी धात्विक ही है, लेकिन अपने को वही याद करने जो अपने राजस्थान में है और उन्हीं में से अपने प्रश्न आएंगे। तो साथियों पहले नंबर पे अपन लोग चर्चा शुरू करते हैं, राजस्थान में जो खनिज पाए जाते हैं इनमें किसकी, लोहे एस्क की। मित्रों गौर करना, पहली बात तो यही है कि लोहे एस्क के प्रकार कितने हैं। साथियों लोहे एस्क है उसके चार प्रकार होते हैं। लोहे एस्क के कितने प्रकार होते हैं, चार। याद रहेगा कि लोहे एस्क के कितने प्रकार होते हैं, चार प्रकार होते हैं। जैसे आप लोग कोयले के चार प्रकार पढ़ते हैं वैसे ही आपको याद रखना है लोहे एस्क के भी कितने प्रकार है, चार। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए बेटा ना। अब लोहे एस्क के चार प्रकार हैं कौन से, देखिएगा। पहले में यानी पहला मैं खुद मैग्नेटाइट, पहले में बाद में हम, ये हो गया हेमेटाइट। मैग्नेटाइट पहले में बाद में हम, हेमेटाइट उसके बाद में, सारे आ जाएंगे, लिमोनाइट। और मित्रों लिमोनाइट के बाद में चार नंबर पे आता है सीडेराइट। याद रखिएगा लोहे एस्क के कितने प्रकार हैं, चार हैं। चार प्रकारों में कौन कौन से, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। प्रश्न आ जाएगा निम्न में से कौन सा एक लोहे का प्रकार नहीं है, तो भाई साहब याद रखना है ये लोहे का प्रकार है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट। सबसे बढ़िया किस्म का जो लोहा होता है वो मैग्नेटाइट होता है, उसके बाद हेमेटाइट, फिर लिमोनाइट, फिर सीडेराइट। अब साथियों गौर करना, अपने राजस्थान में जो लोहा पाया जाएगा, राजस्थान में क्या, मैं यूं कहूं भारत में पूरे में जिस लोहे की ज्यादा प्राप्ति की जाती है वो लोहा कौन सा आता है, हेमेटाइट। अब अपन बात करेंगे कि अपने राजस्थान में ये जो लोहा एस्क है आइए कहां। साथियों गौर कीजिएगा, दो आंकड़े बनेंगे यहां से, प्रश्न बनेगा अपने राजस्थान में लोहे का जो उत्पादन है वो कहां होता है, तो आप सीधा सीधा याद करेंगे जयपुर में। और अगर बात करें इसका भंडार ज्यादा कहां है, तो मित्रों याद करेंगे इसका सबसे ज्यादा जो भंडार है राजस्थान के संदर्भ में वो कहां पे, उदयपुर। हालांकि भारत में कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल बहुत जगह है, लेकिन अपन राजस्थान पढ़ रहे हैं, इतना ही पर्याप्त है एक बार के लिए। भारत वाले खनिजों में भारत के करवा दूंगा, ओके, टेंशन नहीं लेना। अब राजस्थान में इसके जो क्षेत्र है वो क्षेत्र कौन से है जरा गौर कीजिए। मैं यहां क्या करता हूं, एक छोटा सा मैप ड्रॉ कर देता हूं ताकि आप लोगों को आसानी रहे। ये भाई साहब अपना राजस्थान है, आप ये मान के चलिए, दिखाई दे रहा होगा शायद आपको, उम्मीद करता हूं। अब मित्रों राजस्थान में कहां होता है, दो एरिए बनेंगे इसके, उत्तर पूर्वी राजस्थान में, दक्षिण पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में। अब गुरुजी मैप क्यों बनाया, मैप में ही वास्तव बना रही हूं, अपने माइंड में एक इमेज क्रिएट हुए, रट्टो तो लगानो ही लगानो है,
लेकिन साथ साथ एक इमेज क्रिएट हुए यार, लोहे में हमने उधर से एक और पढ़ा था, तो इसलिए मैं मैप बना रहा हूं यहाँ पे, है ना। देखेंगे मैप के अकॉर्डिंग अपन लोग चले। साथियों गौर करना, अपने इस वाले क्षेत्र में लोहा होता कहां है? अपन कहेंगे जी जयपुर में होता है। जयपुर के अलावा और कहां होता है जी? साथियों जयपुर के अलावा दौसा में भी होता है, और कहां होता है जी? इनके अलावा अलवर के अंदर भी होता है, ये लिख दिया मैंने अलवर। और कहां होता है जी मित्रों? सीकर के अंदर भी होता है, और कहां गुरुजी? सुन लो फिर, झुंझुनू में भी है। और कहां होता है जी लोहा? तो उदयपुर के अंदर भी आएगा ही लोहा, तो ये लो जी उदयपुर है। और कहां होता है जी? डूंगरपुर में भी है। और कहां होता है जी? बांसवाड़ा में भी लोहा होता है। और लोहा कहां होता है जी? भीलवाड़ा में भी लोहा है। और कहां है? और झालावाड़ में भी लोहा है। और कहां रह गया? बूंदी में भी है। क्या हो गए प्रश्न? मुस्कुराइए मुस्कुराइए, अभी प्रश्न हुए नहीं है, इनके क्षेत्र आएंगे वहां से निकलेंगे अपने प्रश्न, है ना। ये तो एक मैंने जिलों के नाम लिखे, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी तो देखेंगे नीमला रायसोला कहां पे है, मोरिजा बानुला कहां पे, टोडा चीपलाटा थाई बनिया काबास बागवास तातेरी ये कहां पे हैं। कंडक्टर बनना आपा ना, याद करना है क्योंकि एग्जाम में प्रश्न आओ, और एग्जाम में प्रश्न आओ तो अपन याद करना है, अभी के ऊपर वर्क करना है, अभी पर काम करना है। नोटबुक है साथ ले लो, एक पेन साथ ले लो, और अन जे जे मैं बताऊं मैं लिखता चलो, और साथ में रिपीट करना है, कम से कम एक एक खनिज पांच पांच बार थान लिखनो है, अगर थे चाहो मारो खनिज को प्रश्न गलत नहीं हुए तो, और थे चाहो कोई नहीं पूर्ति कर ले, पूर्ति को नहीं हुए खनिज कुद के पढ़ा, खनिज चार प्रश्न आ गया तो होगी समस्या, तो अपन समस्या को निपाल दी, ठीक है। देखो भाई अब झुंझुनू में कहां होता है जी? सुनिए याद रखेंगे, डाबला सिंघाड़ा, डाबला सिंघाड़ा झुंझुनू में, नीम का थाना सीकर में, डाबला सिंघाड़ा झुंझुनू नीम का थाना सीकर, डाबला सिंघाड़ा झुंझुनू नीम का थाना सीकर, मोरिजा बानोला, मोरिजा बानोला कहां पे है? जयपुर में। उसके बाद में दौसा में कौन सा है? नीमला रायसोला, नीमला रायसोला कहां पे है जी? दौसा में। उसके बाद अलवर में क्या है? अलवर में है कुशलगढ़ राजगढ़ बिलतापुरवा, कुशलगढ़ राजगढ़ बिलता और पुरवा, ये कहां पे है? ये है अलवर में, कहां पे है? अलवर में, याद रखना है। उसके बाद में मुख्य आ जाओ उदयपुर, उदयपुर में कौन से है जी? उदयपुर में मित्रों याद रखना है नाथरा की पाड़, कौन सी पाड़ है? नाथरा की पाड़ और थुरुंडेर, नाथरा की पाड़ और थुरुंडेर कठे का क्षेत्र है उदयपुर का। उसके बाद में डूंगरपुर में कहा है जी? तो याद रखिए डूंगरपुर में लोहारिया, लोहारिया तलवारा और खामरिया, लोहारिया तलवारा और खामरिया ये कहां पे है? डूंगरपुर में। बांसवाड़ा में कौन से है जी? तो बांसवाड़ा में याद करोगे कमलपुरा और लांपा, बांसवाड़ा में कमलपुरा और लांपा, ये लिख देता हूं मैं कमलपुरा और लांपा, ये कहां पे है भाई? बांसवाड़ा में नहीं दिख रहे तो लिख लेना, शायद दिख रहे होंगे मेरे हिसाब से, कमलपुरा लांपा कहां पे? बांसवाड़ा। झालावाड़ में कौन सा है जी? डग पादरपाड़, झालावाड़ में कौन सा है? डग पादर पाड़, अब याद तो करना ही पड़ेगा भाई, झालावाड़ में कौन सा है? डग पादर पाड़, याद रखोगे झालावाड़ में कौन सा? डग पादर पाड़, और बूंदी में कौन सा? लोहागढ़, एक इंद्रगढ़ आता है ये आपका भीलवाड़, इंद्रगढ़ में इंद्र माता भी है, वो बूंदी में अलग है, करना टेंशन बना ले लीजिए। अब सुनो भाई लोहा कहां ज्यादा होता? जयपुर में, जयपुर में क्षेत्र बताओ गुरुजी, मोरिजा बानोला, नीमला रायसोला कहां का है? दौसा का, नाथरा की पाल थुरुंडेर कहां की है? उदयपुर की, नीम का थाना कहां का है? सीकर का है, याद रखना है, डाबला सिंघाड़ा झुंझुनू नीम का थाना सीकर, मोरिजा बानोला जयपुर, नीमला रायसोला दौसा,
ने बोलो साथ साथ नेमला राय चोला दोसा ना था कि पाल थुरु नेर के ठेव देखो। अब गुरु जी और भी प्रश्न आ सके के बिल्कुल आ सके है और आयडो है आ सके को नहीं आयडो है। जयपुर में कौन कौन से क्षेत्र है जी सुन, जयपुर में है टोडा, इस मोरिजा बानोला बड़ा क्षेत्र है तो इसके छोटे क्षेत्र याद करने पड़ेंगे। जैसे अपन लोग पढ़ते हैं तांबा है खेतड़ी में, अब खेतड़ी पूछा ही नहीं, पटवार के एग्जाम में आ गया कि कोलहीन किस खनिज के लिए जाना जाता है, तो कोल्याणी या कोलहीन किस खनिज के लिए, तांबे के लिए। अब खेतड़ी सबको पता है लेकिन कोल्याण नहीं पता, तो यहाँ मोरिजा बानोला तो सबने रट्टा लगा रखा है, भीड़ से अलग कद होगा जब थे छोट क्या नाम याद करोगा। और है कि कोनी एक बार याद हो गया नहीं, पुराने स्टूडेंट कहीं जुड़ रहे हैं और आधी रात नहीं पूछ लो चाहे बताओ रहे पेलवाणी कटे। बोले गुरु जी बास पड़ा क्या खातर है, बोले मैगनीज खातर है, टनस्टन खातर है, मैगनीज खातर है। दाता गुणास टुंका बनेडी फेलिया सिंद्रिया सरतन गाबा चापदी बांध किया बंजारी गोकुलपुरा एक ठे ए बिलवाड़ा में क्या खातर है, अब्र खातर है। तो यार याद हो जाएगा, टेंशन भूल लेना ठीक है। तो टोडा टोडा चीपड़ाटा थाई बानिया काब्बास बागवास तातेरी बस सत्ताई हुआ, टोडा चिपलाटा थाई बनिया काब्बास बागवास तातेरी कानपुरा और वो भी याद कर लो जो थारू है जना ठीक है। ए स्थान कटे गए भाई, ए जयपुर का स्थान बस। जयपुर में मोरिजा बानोला बड़ो क्षेत्र है और ये बड़ा क्षेत्र का कौन सा है, टोडा चिपलाटा थाई बनिया काब्बास बागवास तातेरी कानपुरा। रिपीट करो अब मेरे सागे एक बार रिपीट करना पड़ेगा, ध्यान दो। झुंझुनू में डाबला सिंघाना, झुंझुनू में डाबला सिंघाना इमें भी है त्योंदा काली पाड़ी लेकिन को नहीं याद करनी, याद तो करना। झुंझुनू में डाबला सिंघाना कणा दिखी गांठ ले पंसारी बन जाओ, मैं तो सारा ही याद कर लिया। और भी बोला क्षेत्र है तो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बताया था, फिर सीकर में नीम का थाना नटेरा पूनागिर राजोलीर बासणीर कही ये को नहीं याद कर। जयपुर में मोरिजा बानोला, जयपुर में कौन से टोडा चिपलाटा थाई बनिया काब्बास बागवास तातेरी और कानपुरा, काब्बास बागवास तातेरी कानपुरा। फिर दोसा में नीमला रायसोला, नीमला रायसोला क्षेत्र का मायने की बानगढ़ राजगढ़ रतनपुरा और ताहिरी नाम को क्षेत्र है को नहीं याद कर। बानगढ़ राजगढ़ रतनपुरा ए दोसा का है, चलो लिख दू बाई चांस आ जा तो आ सके। बानगढ़ राजगढ़ दो बैंक बोला है लेकिन फिर भी याद कर लो, रतनपुरा बांजगढ़ बानगढ़ राजगढ़ रतनपुरा तेहला ये क्षेत्र कटा गया दोसा। तो याद रखो नीमला रायसोला दोसा कुशलगढ़ राजगढ़ बिलता पूर्वा अलवर, कुशलगढ़ राजगढ़ बिलता पूर्वा अलवर, कुशलगढ़ राजगढ़ बिलता पूर्वा अलवर। नाथरा की पाल थुर उंडेर उदयपुर, नाथरा की पाल थुर उंडेर उदयपुर, लोहारिया तलवारा खामरिया डूंगरपुर, बांसवाड़ा में कमलपुरा लांपा, डग पाद्रपाल कटे झालावाड़ में, बूंदिम के लोहागढ़ इंद्रगढ़ कटे भीलवाड़ा। फटाफट रिपीट करो, स्क्रीनशॉट ले लो एगो और लिख लो और जल्दी जल्दी जितना ज्यादा रिपीट कर सको बता ज्यादा रिपीट करो ठीक है नहीं, फटाफट लिखो देखा एक बार। हाँ फटाफट रिपीट करो, एक बार और रिपीट करा दू मैं ठीक है। लो आए याद रखना, झुंझुनू में डाबला सिंघाना सिकर बनीम का थाना, झुंझुनू में डाबला सिंघाना सिकर बनीम का थाना, जयपुर में मोरिजा बनोला, जयपुर में क्षेत्र याद रखना टोडा चिपलाटा थाई बनिया काब्बास बागवास तातेरी और कानपुरा। याद करा होगा जयपुर में टोडा चिपलाटा थाई बनिया काब्बास बागवास तातेरी और आपको कानपुरा। फिर याद रखना निमला रायसोला कटे आपके दोसा कमाएने, निमला रायसोला कटे दोसा कमाएने, इंद्रगढ़ कटे अब इंद्रगढ़ में या तो बूंदी कमाएने, इंद्रगढ़ भीलवाड़ा कमाएने, लोहागढ़ कटे लोहारगढ़ आपको कटे आपको बूंदी में, डग पाद्रपाल कटे आपका झालावाड़ कमाएने, कमलपुरा और लांपा कटे कमलपुरा लांपा बांसवाड़ा में, जबकि तलवारिया खामरिया लोहारिया एक कटे आपका डूंगरपुर में। याद रहसी याद न रहसी करनो है ठीक बात गुरु जी। अब लोहा के बाद में आप एक खनिज और पढ़ांगा, यानी धीरे धीरे करांगा खनिज है, टेंशन बोल लेनी एक दिन में पूरा खून करा, एक दिन का बड़ा बड़ा दो खनिज और छोटा जाएगा जहां तीन तीन चार चार भी कर लिया ठीक भाई। अब दूसरो खनिज कौन सो पढ़ा गुरु जी, दूसरो खनिज आपने देख लो लोहा के बाद में तांबो ठीक रहे से ठीक है। ध्यान दो तांबा कहां होता है जी, अपने राजस्थान में तांबा कहां होता है, पहली पहली बात तो याद रखनी, तांबे के उत्पादन के लिए और तांबे के भंडार के लिए दोनों के लिए कौन प्रसिद्ध, झुंझुनू, और झुंझुनू में कौन सा भाई खेतड़ी, यानी खेतड़ी को कहा जाता है ताम्र नगरी,
प्रश्न बनेगा सीधा सीधा, खेतड़ी को ताम्र नगरी कहते हैं और ताम्र जिला किसे कहते हैं? झुंझुनू को। हालांकि प्राचीन समय में आहड़ को भी ताम्र नगरी कहते थे, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर को कहा जाता है, लेकिन याद रखेंगे अपने राजस्थान में कौन सा झुंझुनू। ठीक बात। अब तांबा होता कहां का है जी? जो फिर मैं वो ही मानचित्र आपके लिए बना रहा हूं, आप लोग राजस्थान में भाई बात कठिन तो यही को नहीं, कठिन तो तेल वगैरह पढ़ाना था। अब मित्रों गौर करें यहां कहां कहां होता है। एक तो होता है जी झुंझुनू में, याद रखें झुंझुनू के अलावा एक कठे हुए अलवर में, याद रखना है। इकला और कटे हुए भाई सीकर में, याद रखना है। और कटे हुए भाई भीलवाड़ा में तांबू, याद रखना है। और कटे हुए उदयपुर में, और कटे हुए भाई और सिरोही में भी थोड़ा मोटा है, कोई मना ही थोड़ी है को नहीं हुआ। आज जिला में आपने प्रश्न बना लेना है। देखो झुंझुनू में कहां होता है मित्रों, गौर करना, काफी बार प्रश्न आते हैं। अपने झुंझुनू में जो तांबे के लिए जाना जाता है, अब वो कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? खेतड़ी क्षेत्र। लेकिन क्या इसी से प्रश्न बनेंगे? नहीं, खेतड़ी के अलावा और भी, जैसे गुरुजी और कौन कौन से हैं सुनिए फिर कौन कौन से हैं। अपने झुंझुनू के अंदर इस खेतड़ी क्षेत्र के पुरानी खाने हैं जिनमें कोलहीन, कोलहीन के साथ याद रखेंगे मंधान, ये दोनों ही खाने क्या है? पुरानी। कोलहीन भी पुरानी है, मंधान भी पुरानी है, ठीक है? तो याद रखना है कोलहीन और मंधान। इसके अलावा और कौन कौन से हैं भाई? इसके अलावा साथियों अखवाली, कौन सी? अखवाली। अखवाली के साथ कौन सी है? पपूर्णा। पपूर्णा के साथ कौन सी है? बबाई। बबाई के साथ कौन सी है? गाडराटा। इसके साथ कौन सा है? सतकुई। अलवर में एक पर हटा देता। इसके अलावा कौन सा है? सतकुई। इसके अलावा कौन सा है? चांदमारी। इसके अलावा और छोटे छोटे गांव बहुत हैं जिनके अंदर तांबा है, जैसे कि आपका मातुगढ़ है, पपरना है, दीपरा है, अपने इधर गुड़ा, पोंक, नेवरी, चौरा, चौपुलिया, पचड़ंगी, पापड़ा, मणकसास, यानी आ गांव में भी तांबा को खूब बंडा है। लेकिन अपन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, परीक्षा की दृष्टि से कौन सा पूछा जा सका अपन, तो मित्रों गौर करूंगा परीक्षा की दृष्टि से इस सारा ही स्थान महत्वपूर्ण है। जगह मैठे लिख दिया, कोलियाण, मंदान, अखवाली, पपरना, बबाई, गाडराटा, सतपुर, चांदमारी, ठीक है? ये तांबे के लिए है, तांबा यहां निकाला जाता है, याद रखना है। चांदमारी नया प्रोजेक्ट है तांबे का। कहां पे जी, कहां की बात चल रही है? तो मित्रों गौर करेंगे ये जो बातें चल रही हैं, ये कहां अपने झुंझुनू की चल रही, कहां की चल रही बातें? ये बातें चल रही अपने झुंझुनू। चलो ठीक बात है जी। अब गुरुजी सीकर में भी हुए के? हाँ मोटियारों सीकर में भी है। सीकर में कठे हुए, सीकर में याद रखेंगे नीम का थाना। सीकर में क्या याद रखना है? नीम का थाना। अब नीम का थाना में कौन से है जी? याद रखो बन्नोवाड़ी दाणी, मीरा का नांगल, मीरा का नांगल, नाथा का नांगल। ए नांगल याद रखना है, मीरा का नांगल, नाथा का नांगल, बन्नोवाड़ी दाणी, ए कठा का क्षेत्र है, ए सीकर का क्षेत्र है, के बैठे तांबू है, लेकिन कोई खास कोनी, तो ज्यादा टेंशन को ले। अब महत्वपूर्ण लिख रहे हो मैं जिलों थे सो है गुरु जी, तो महत्वपूर्ण अलवर। अलवर क्यों है भाई महत्वपूर्ण, सुनना। अलवर में एक क्षेत्र आता है खोदरीबा, और बार बार पेपर में प्रश्न आता है यहां से, खोदरीबा है, यहां क्या होता है जी? तांबा होता है। खोदरीबा में क्या है? तांबू है। अब खोदरीबा में क्षेत्र कौन से है? तो मित्रों सुनना, थाना गाजी, इसके अलावा कुशलगढ़, इसके अलावा सेनपुरी, और इसके अलावा भगत का बास। ये क्षेत्र कहां है? ये क्षेत्र अलवर में। अलवर का मुख्य क्षेत्र याद रखना है खोदरीबा। अलवर का मुख्य क्षेत्र क्या याद रखना है? खोदरीबा। एक बार झुंझुनू रिपीट करो, रिपीट कराऊंगा, रामू पढ़ाऊंगा, टेंशन को नहीं आपने, ठीक है ना? अपन को है तो आज को सिलेबस सल्टानो है, है? बेचने फ्री करना है, वो कोई शाम को नहीं आपने, धीरे धीरे पढ़ा। झुंझुनू है खेतड़ी क्षेत्र है,
कोलियाण मंदान अखवाली पपरना बब्बाई गाडराटा सतकुर चांदमारी। ये क्या का चित्र है भाई? ये तांबा का चित्र है। कौन सा है? कोलियाण मंदान अखवाली पपरना बब्बाई गाडराटा सतकुर चांदमारी। क्या का? तांबा का। क्या का है? तांबा। कोई ट्रिक को नहीं है, ट्रिक तो अटेक करी अरे मानो मर जाऊंगा। खनिज बोला है 50 खनिज है, कता की ट्रिक पढ़ोगा, पांडस की पढ़ लोगा है। तो याद करना है, रिपीट करना है। अलवर में खोदरीबा थाना गजी कुशलगढ़ सैनपुरी भगत का बास नीम का थाना सीकर में और खेतड़ी कटे आपको खेतड़ी चुन। ठीक बात गुरु जी। अब भीलवाड़ा में कौन से भाई? भीलवाड़ा में पूर्व बनेड़ा, भीलवाड़ा में क्षेत्र पड़ेगा पूर्व बनेड़ा। प्रश्न आ जाएगा सीधा सीधा कि पूर्व बनेड़ा कहां का क्षेत्र? भीलवाड़ा का। किसके लिए जाना जाता है जी? तांबे के लिए जाना जाता है। कहां का? भीलवाड़ा का। सिरोही में कौन सा क्षेत्र है? याद रखेंगे सिरोही के अंदर बसंतगढ़ अंजारी। प्रश्न आ जाएगा सीधा सीधा कि बसंतगढ़ अंजारी कहां का तांबे का क्षेत्र है? सिरोही का। और एक अंबाजी की पाल उड़ाती है, अंबाजी की पाल, ये भी कहां पे है? सिरोही। अब सिरोही के बाद में याद रखना है कि उदयपुर के क्षेत्र कौन कौन से। साथियों गौर करना, अब उदयपुर में तो नाथरा की पाल भी पढ़ के, थुरहुंडेर भी पढ़ के, आगे जावर भी पढ़ेंगे चांदी के लिए, पढ़ेंगे ना, मगरा क्षेत्र भी पढ़ेंगे सीसा जस्ता के लिए। तो तांबे में कौन सा है? तांबे में याद रखना है मित्रों, अंजनी सलूम्बर, यानी उदयपुर का कौन सा? अंजनी सलूम्बर। उसके अलावा देलवाड़ा केरावाली। अब देलवाड़ा थे बताओगा मंदिर भा को नहीं, दूसरा है याद रखूंगा, देलवाड़ा केरावाली, ये भी कहां पे भाई? उदयपुर के अंदर। उसके बाद में इसरावल, ये भी कहां पे भाई? उदयपुर के अंदर है। उसके बाद में कालीपाल, ये भी कहां पे भाई? उदयपुर में है। टेंशन हो रही है तारे को, नहीं याद करना पड़ेगा, बार बार मैं रिपीट करवा रही हूं। अंजनी सलूम्बर, देलवाड़ा, केरावाली, इसरावल, कालीपाल, कठे है, ये है उदयपुर में। भीलवाड़ा में कौन सो याद रखना है? पूरे बनेड़ा। भीलवाड़ा में पूरे बनेड़ा और एक गिरदारी, गिरदारी नाम को स्थान है, गिरदारी को ना गिरदारी कठे है बूंदी में, गिरदारी कठे भाई बूंदी का महीने। बस हो गया गुरु जी याद, अतः तो करना है। तांबू, तांबा में याद रखना है ताम्र नगरी अपने खेतड़ी झुंझुनू, खेतड़ी झुंझुनू ताम्र नगरी है। याद रखोगा झुंझुनू उत्पादन में, झुंझुनू भंडार में। फिर झुंझुनू में कौन सा क्षेत्र है? खेतड़ी क्षेत्र तो है, लेकिन कोलियाण मंदान अखवाली बबाई पपरना गाडराटा सतकुई चांदमारी, ए है अपने झुंझुनू का क्षेत्र। सीकर में नीम का थाना, बनोवाई डाणी मीरा का नांगल, नाथा का नांगल। अलवर में खोदरीबा याद रखूंगा, अलवर में लास्ट पीछे पढ़ के आए थे कुशलगढ़ राजगढ़ बिलतापुर, वो किसके लिए था? वो था किसके लिए? लोहे के लिए। खोदरीबा किसके लिए है? तांबे के लिए है। अलवर में और भी पढ़ेंगे अपन बहुत सारे, गुढ़ा किशोरी दास सीसा जस्ता के लिए है ना, तो यहां याद रखेंगे खोदरीबा किसके लिए? तांबे के लिए। फिर आगे चले तो भीलवाड़ा में पूर्व बनेड़ा तांबे के लिए, जबकि भीलवाड़ा में कल पढ़ेंगे कल की क्लास में रामपुरा आगुचा गुलाबपुरा सीसा जस्ता के लिए। फिर आगे चले उदयपुर, उदयपुर में अंजनी सलूम्बर, देलवाड़ा केरावाली इसरावल कालीपाल और बसंतगढ़ अंजारी अंबाजी के पाल कटे सिरो में, यहां अपने तांबू। आज के लिए दो खनिज है, पांच पांच बार लिखना है, पहलो तांबो लोहो और दूसरों कौन सो तांबो। मिला साथियों नए वीडियो में नए जोश के साथ, नए नॉलेज के साथ, तब तक लूंगा विदा। हाँ, अगर वीडियो तन बढ़िया लगे हुए ता लागे कि एडिशनल इंफॉर्मेशन है ही कमाई ने, अतिरिक्त जानकारियां हैं, तो वीडियो ने शेयर करूंगा। अब मैं गारंटी लूं कि यूट्यूब पर बिना किसी स्वार्थ भाव से मैं पढ़ा रहा हूं, अपना इनमें कोई स्वार्थ नहीं है, अपना स्वार्थ इतना ही है कि आप लोगों तक है, अब वो अपनी बात पहुंच जाए और आप लोगों का भला हो जाए, ठीक है। हाँ, आगे चल के और अपन धीरे 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 पूरी ज्योग्राफी कवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बार जितना चल रहा है धीरे धीरे उत्ताप चलाएं, आगे बढ़ाएं, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, और अगर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, साथ में बेल आइकन दबाएंगे। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।